प्रियंका चोपड़ा ने बता ही दिया क्यों करना पड़ा था उन्हें ऐसा काम। प्रियंका चोपड़ा की दूसरी हॉलीवुड फिल्म इजंट इट रोमांटिक वेलेंटाइन डे के एक दिन पहले अमेरिका और कनाडा में रिलीज कर दी गई और फिर 28 फरवरी को नेटफ्लिक्स के जरिए भारत सहित अन्य देशों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देसी गर्ल ने ये फिल्म क्यों की? इसका जवाब खुद प्रियंका चोपड़ा ने ही दे दिया है। एल प्रियंका ने एक बातचीत में बताया कि उन्होंने एजेंट इट रोमांटिक फिल्म इसलिए की क्योंकि उन दिनों वो फुर्सत में थी। एल प्रियंका कहती हैं, असल में ये मजाकिया होगा लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा कि ये फिल्म मेरे फ्री टाइम के दौरान शूट की जा रही थी और मेरे लिए एकदम फिट बैठ रही थी। ये फिल्म न्यूयॉर्क में शूट की जानी थी और तब मैं वहां अपने टीवी शो क्वांटिको के दूसरे सीजन के बाद तीसरे के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। करीब डेढ़ महीने का खाली समय था और इसी दौरान एजेंट इट का ऑफर आया तो मैंने कर ली। प्रियंका ने कहा कि इस फिल्म की स्टोरी बड़ी प्यारी थी और मैं रेबेल विल्सन को पसंद भी बहुत करती हूँ। एल वो अपने लिए फिल्म बनाती हैं। एल इस फिल्म के जरिए उनका पहला लीड रोल भी है। एल प्रियंका चोपड़ा ने पिछले दो साल के हॉलीवुड में धाक जमा रखी है। हालांकि पहले ही हॉलीवुड की इस फिल्म के निर्माता ने फैसला किया था कि प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा। इजंट इट रोमांटिक 13 फरवरी को रिलीज हो गई लेकिन भारत में नहीं। फिल्म को यूके और अमेरिका में रिलीज किया गया। प्रियंका काम अमेरिका में करती हैं और उनका ससुराल कनाडा निक जोनास का घर में है। एल नेटफ्लिक्स ने इसे अमेरिका और कनाडा को छोड़कर दुनिया के बाकी भागों में रिलीज करने के फैसला किया जिसमें स्पेन, फ्रांस और इटली भी शामिल हैं। एल इस फिल्म में उनके साथ रेबेल विल्सन, लीमा हेमसवर्थ और एडम डेविन ने काम किया है। एल इजंट इट रोमांटिक हॉलीवुड की एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसे टॉड स्ट्रॉस शुल्सन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में प्रियंका योगदूत बनकर लियाम हेम्सवर्थ और रेबेल विल्सन जैसे कलाकारों के साथ काम कर रही हैं। न्यूयॉर्क शहर की एक वास्तुकार नैटाली की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनास से शादी के बाद हनीमून की छुट्टियां भी मना ली है और फिल्म द स्काई इज पिंक की शूटिंग में जुट गई है। एक रियर डिजीज से ग्रसित लड़की की कहानी पर बनी इस फिल्म में जाहिर वसीम वो रोल निभा रही हैं। फिल्म में फरहान अख्तर भी हैं। प्रियंका ने इसके अलावा को फिल्म ऑफिशियल साइन नहीं की है। कुछ समय पहले प्रियंका ने एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा था कि भगवान की इच्छा के आगे इंसान की कुछ नहीं चलती है, इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। एल हमारे बच्चे जरूर होंगे लेकिन समय आने पर एल ये होगा जरूर, लेकिन अगले 10 साल के भीतर या शायद उससे पहले भी। एल मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे माँ बनना है। एल